हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम है, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आप परफेक्ट थंबनेल कैसे बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गाइस, यहाँ पर कुछ थंबनेल गुड थंबनेल बोलते हैं दोस्तों, जो कि थोड़े क्लिक वेट होते हैं दोस्तों, जो कि बंदा एक बार देख ले तो उस वीडियो को 100% वो क्लिक ही करेगा एक बार देखने के बाद। दोस्तों कुछ थंबनेल ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर वैड थंबनेल बोलते हैं दोस्तों, जो कि दूर से दूर बंदा भाग जाता है उन थंबनेल को देखकर। तो दोस्तों हमें एक ऐसा थंबनेल बनाना चाहिए थोड़ा सा क्लिक वेट, जिससे कि लोग हमारी वीडियो पर क्लिक करें देखें 100%। अगर आप वैड थंबनेल बनाओगे दोस्तों, तो लोग आपकी वीडियो को दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, यहाँ पर दूर से दूर छोड़ कर चले जाएंगे आपकी वीडियो को। तो दोस्तों हमें कुछ थंबनेल कैसे बनाना है दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, कैसे आप परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन से दोस्तों। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ कैसे आप परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना फटाफट से, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं दोस्तों, जो कि लोग आपकी वीडियो को देखें दोस्तों, क्लिक करें आपकी वीडियो पर दोस्तों। जैसे कि अगर आपकी वीडियो रिकमेंडेड या फिर सजेस्टेशन में जा रही है दोस्तों, तो लोगों के सामने आपकी वीडियो आती है तो आपकी वीडियो पर 100% क्लिक होगा, आपकी वीडियो को देखेंगे लोग दोस्तों। तो ऐसा थंबनेल हमें बनाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर थंबनेल बनाने के लिए दोस्तों आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी, जो कि पिक्सल लैब दोस्तों। पिक्सल लैब से आप परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों पिक्सल लैब को यहाँ पर कैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज़ भी जाना होगा, फिर आपको एक कस्टम पर क्लिक करके आपको एक यूट्यूब थंबनेल का बैनर लेना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पर हम क्लिक कर देते हैं। यूट्यूब थंबनेल पर जैसे क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि कलर का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो यहाँ पर किसी भी यहाँ पर एक कलर चेंज कर देंगे दोस्तों, तो हम ये वाला कलर ले लेते हैं दोस्तों। कलर लेने के बाद दोस्तों, अगर परफेक्ट थंबनेल बनाना चाहते हैं दोस्तों, आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेपेस पर क्लिक करना होगा। सेपेस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे हम। बड़ा करने के बाद थोड़ा दोस्तों यहाँ पर इसको करेंगे थोड़ा सा रोटाटो। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर हम लगा देंगे इसको। तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम। तो इसका भी हमने कलर चेंज कर दिया दोस्तों। तो हमारा जो थंबनेल का जो वो है दोस्तों, वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बैनर हमने बना लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर। तो इसका कलर चेंज करेंगे दोस्तों। तो कलर यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं दोस्तों, जो आपका मन करे। तो यहाँ पर मैं कलर लेने देता हूँ ये वाला। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि बी स्टाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बी वाले पर क्लिक करना होगा। इससे थोड़ा स्टाइलिश में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको मिलेगा एक टेक्स्ट बैकग्राउंड। तो इसको टेक्स्ट बैकग्राउंड पे भी आप क्लिक करके दोस्तों इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों एक स्ट्रोक का। स्ट्रोक लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो इससे हमारी जो टेक्स्ट की क्वालिटी है दोस्तों, वो थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट पर जाना होगा। फिर आपको लिखना होगा कैसे कम्प्लीट करें, कैसे कंप्लीट। तो उसने यहाँ पर हम लिख दे रहे कैसे। तो यहाँ पर इसका भी हम चेंज कर देते हैं कलर वगैरह। तो आप जो मर्जी चाहे वो कलर लगा सकते हैं दोस्तों। फिर से आपको बी स्टाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पर फिर से आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके दोस्तों आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हमने लिख दिया कैसे कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखना होगा वो करें दोस्तों। यहाँ पर मैं एक थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से ये थंबनेल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही सिंपल बनाना होगा। तो आप जो चाहें वैसे वैसे तरीके से आप बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों यहाँ पर एक फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर किसी स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं A to Z। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो लगा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक PNG में फ़ोटो कर रखा है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ये वाला लगा देता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना काफ़ी अच्छा परफेक्ट थंबनेल बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको जल्दबाजी में ये बता दिया दोस्तों यहाँ पर।
अब दोस्तों यहाँ पर कोई YouTube का लोगो ना लगाना चाहते हैं तो आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म गैलरी में जाना होगा। अगर YouTube का लोगो लगाना चाहते हैं तो YouTube का लोगो भी लगा सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पर आपको PNG में काफ़ी सारे यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड करने को, कोई उनका कोई YouTube का, तो यहाँ पर YouTube का लोगो हमने लगा दिया दोस्तों। या फिर ग्रो का चैनल या फिर ग्रो का यहाँ पर इफेक्ट लगा सकते हैं, तो काफ़ी सारे इफेक्ट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा थंबनेल बन चुका है। आपको सेव, आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेव एस इमेज पर क्लिक करना हो आपके जो, फिर आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी में सेव करना होगा। तो आपका जो थंबनेल है दोस्तों यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में आपको बता दिया दोस्तों थोड़ा, तो आपको ठीक से अगर आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन से आप थंबनेल बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को यहाँ पर ज़्यादा लंबा ना करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।